सो हे गाइस, आज की वीडियो होने वाली है गेमिंग माउस के ऊपर, जो कि एक बेस्ट गेमिंग माउस है और ये आता है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से और ये जो है कि काफ़ी अच्छा जो है वैल्यू फॉर मनी जो है कि गेमिंग माउस है एंड इसके स्पेक्स वगैरह जो है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड जो है कि इसके अंदर कूलिंग रेट वगैरह जो है कि काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो फटाफट से पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे एंड इसके फीचर वगैरह के बारे में आपको बताएंगे। और ये जो है कि एक ARGB के साथ में आता है, जो कि आप इसके सॉफ्टवेयर से, इसकी DPI से लेके इसकी पोलिंग रेट और साथ में इसके लाइटिंग को भी जो है कि कंट्रोल कर सकते हैं। काफी अच्छा सॉफ्टवेयर इंटरफेस भी इसका दिया हुआ है, जिसमें जो है कि आप इजीली जो है कि सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं इसका फुल डिटेल जो है कि आपको देने वाला हूं, तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा एंड आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए फटाफट से पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं एंड देखते हैं कि इसमें जो है कि हमें कंटेंट क्या क्या चीजें मिलने वाली है। आपको देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का जो है कि हमें बॉक्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फ्रंट साइड में जो है कि आपको एंटी स्पोर्ट्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, साथ में इसके मॉडल नंबर को मैं आपको बता दूं, GM320 जो है कि इसका मॉडल नंबर है, 320 जो है कि इसका मॉडल नंबर है और ऊपर साइड में भी कुछ इसी तरीके के लिखे हुए आते हैं। बैक साइड में यहाँ पे जो है कि इसके फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं, जो कि मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह दे दूंगा, उसमें आप जो है कि देख सकते हैं। और ये जो है कि आपको लगभग 550 से 600 के बीच में मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा माउस है। आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है एंड ये जो है कि ऑप्टिकल सेंसर के साथ में आता है। यहाँ पे नीचे साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंसर जो है कि लिखा हुआ है। तो चलिए पहले फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं इसे। मैं इसके बॉक्स को ओपन कर लिया हूँ और इसकी हालत थोड़ी सी मेरे पास जो है कि ख़राब आई थी, तो इसके साथ में देख लेते हैं हमें जो है कि क्या कुछ मिलता है। एक यहाँ पे जो है कि माउस मिल जाता है, साथ में यूज़र मैनुअल एंड यहाँ पे एक जो है कि स्कैनर वगैरह मिल जाता है, जिससे जो है कि आप वारंटी जो है कि क्लेम वगैरह कर सकते हैं। चलिए मैं इसे रखता हूँ फटाफट से साइड में एंड जो है कि अब आ जाते हैं माउस की तरफ। तो माउस देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का जो है कि लुक आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक मेरे को लगा। एंड यहाँ पे जो केबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्रीडेड केबल देखने को मिल जाती है और लेंथ की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे 1.5 मीटर की जो है कि लेंथ मिल जाती है, जो कि काफ़ी सही है और वैसे भी कोई ज़्यादा दूर नहीं रखता है। फिलहाल आप केबल एक बार देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लेंथी केबल यहाँ पे जो है कि मिल जाती है। बस थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे USB पिन की जो है कि बिल्ड क्वालिटी मेरे को सही नहीं लगी। ओवरऑल अगर इसकी बात करें तो ये जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे जो है कि रबड़ ग्रिप देखने को मिल जाता है, यहाँ पे जो है कि पूरा रबड़ कोटेड जो है कि ऊपर साइड में है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। मैं आपको एक चीज़ क्लियर ही बता दूं कि ये जो है कि लंबे समय तक जो है कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं चलने वाला है, क्योंकि काफ़ी टाइम मल्टीपल टाइम जो है कि अगर हम प्रेसिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ पे धीरे धीरे जो है कि ये रबर कोटिंग जो है कि हट जाती है, तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है कि आपको पूरी लाइटिंग देखने को मिल जाती है एंड इसकी लुक जो है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये 8 की के साथ में आता है। 1 की जो है कि आपको यहाँ मिल जाता है, लेफ्ट राइट मिल जाता है, 2 की जो है कि यहाँ पे DPI और इसके RGB को कंट्रोल अगर आप सॉफ्टवेयर से नहीं करना चाहते तो इससे जो है कि आप इजिली जो है कि कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे एक फायर बटन जो है कि साइड में हमें देखने को मिल जाता है, उसके बाद 2 यहाँ पे जो है कि फोल्डर अप डाउन का मिल जाता है, ये जो है कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे इन बटनों को जो है कि अलग अलग मोड्स पे अगर सेट करना चाहते हैं तो आप इजिली इसे सॉफ्टवेयर की मदद से जो है कि कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एंड ये जो है कि फुल्ली ARGB है, यहाँ से जो है कि राउंड होके जो है कि लाइटिंग जो है कि चलती है। एक जो आती है सिंपली जो है कि कलर चेंज होता रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है कि आपको एक लाइटिंग इफेक्ट जो है कि काफ़ी अच्छी मिल जाती है, जो कि रन करता हुआ रहता है, मतलब चलता रहता है, तो काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। और यहाँ पे एंटी स्पोर्ट्स की ब्रांडिंग है और इसमें भी RGB आपको देखने को मिल जाती है। इसकी DPI वगैरह अगर हम मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है कि 12,800 DPI के साथ में आता है, जो कि आप फुल्ली कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसकी सॉफ्टवेयर की मदद से, और जितने भी DPI भी आप सेट करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल क्लिक में अगर जो अपने माउस की मदद से जो है कि इसके DPI को सेट करना चाहते हैं तो आप जो है कि उसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसके बाद से यहाँ से जो है कि बटन को प्रेस करके जो है कि सेट कर सकते हैं, जो जिस पे भी आपको रखना है, अलग अलग लेवल जो है कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस DPI पे रखना है। और इसमें 4 स्टेप जो है कि आपको देखने को मिल जाता है, उसके साथ में यहाँ पे जो है कि आपको पोलिंग रेट
रेट जो है कि 500 से लेकर 1000 का जो है कि पोलिंग रेट देखने को मिल जाता है, जो कि मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा कि पोलिंग रेट जो है कि किस तरीके से यहाँ पे काम करता है, मैं आपको लाइव दिखा दूंगा। एंड उसके साथ में आपको बैकलाइट RGB मिल जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके साथ में अदर फीचर के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे जो है कि इस बॉक्स में जो है कि काफ़ी चीज़ें मेंशन है। मैं मोस्टली जो है कि मेन जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को यहाँ पे बता देता हूँ। फर्स्ट टाइम तो मैंने आपको बता दिया कि इसके केबल जो है कि 1.5 मीटर की है। साथ में यहाँ पे जो है कि फ्रेम रेट जो है कि आपको 7000 FPS का जो है कि फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है। अगर सॉफ्टवेयर से आप कंट्रोल नहीं करना चाहते, इन बटन से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको 12 अलग अलग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जो आप इस बटन की मदद से जो है कि कंट्रोल कर सकते हैं। अलग अलग कलर में अलग अलग जैसा भी आप सेट करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से सेट कर सकते हैं। बटन की मदद से जो है कि आपको 12 मोड्स ही देखने को मिलेंगे, बाकी जो मोड्स जो हैं सॉफ्टवेयर के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको सॉफ्टवेयर का इंटरफेस वगैरह भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से है, एंड डाउनलोड कहाँ से करना है ये भी बता दूंगा। अगर आपको सॉफ्टवेयर के रिलेटेड और भी चीज़ चाहिए कि किस तरीके से यूज़ करना है, तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और इसके साथ में यहाँ पे जो है कि DPI जो है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ से, अगर कस्टमाइज़ नहीं करते हैं डायरेक्टली आप चेंज करते हैं, तो यहाँ पे जो है कि एक 1200, 1600, 2400, 3200 एंड 12800 तक जो है कि आप इससे कर सकते हैं। ये जो है कि मोड यहाँ से जो है कि चेंज कर सकते हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर से कंट्रोल करना चाहते हैं तो ईजिली जो है कि आप अलग अलग मोड्स को जो है कि कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हिसाब से अलग अलग DPI सेट कर सकते हैं। लगभग 550 से लेके 600 के बीच में जो है कि आपको, क्योंकि जो लिंक मैं दूंगा आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं कि करंट प्राइस क्या चल रही है। फिलहाल मैंने जब बाय किया था तो ये लगभग 550 के करीब में था। ऑफर में जो है कि 500 का भी मिल जाता है, कभी 600 का भी हो जाता है। तो आप जो है कि करंट प्राइस, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप करंट प्राइस जो है कि चेक कर लेना। और चलिए फटाफट से जो है कि मैं इसकी ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ।